जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं हमारे साथ CCN न्यूज 24 चैनल। मैं हूं दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और जंतर मंतर के क्षेत्र में मौजूद हूं। मेरे साथ पूर्व सैनिक बलवंत सिंह जी मौजूद हैं। आपको बता दूं, यहां पर पिछले कई दिनों से जो है धरने पर बैठे हैं पूर्व सैनिक, हमारे भारतीय जवान के सैनिक जो हैं वो धरने पर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि अब वाद विवाद छिड़ा है बड़े अफसरों में और छोटे जो पूर्व सैनिक हैं उनके अंदर, जो सैनिक हैं जो बॉर्डर पर सैनिक काम करें उनमें और जो बड़े अफसर हैं उनके बीच में। हम सुना करते थे कि जो जवान हैं वो अपने दुश्मनों से लड़ता है, उनसे लड़ता है जो हमारे मुल्क हैं, जो हम पे हमला करते हैं उनसे लड़ता है। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि जो आर्मी के जो जवान हैं उनकी जंग छिड़ी है अपने बड़े अफसरों से, क्योंकि उनका लगातार शोषण होता है और शोषण भी कोई निम्न स्तर पर नहीं, जो आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल पर जो है शोषण किया जाता है। फिर चाहे वो आपका MSP पे हो, फिर चाहे वो OROP पे हो, फिर चाहे वो आपका, कई बार तो ये भी मेरे को पता लगा था, यहाँ पर मैं लगातार कवरेज पे हैं हम लोग, कि जो बड़े अफसरों की वाइफ हैं वो मसाज तक करवाती हैं। अब इस बात में कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है वो एक बार मैं इनसे बात करूँगा। और बड़े अफसर और किस तरह से जो है हमारे सैनिकों का शोषण करते हैं वो वाकई बड़ी शर्मनाक घटना है, कि अगर आर्मी के बड़े अफसर ही आर्मी के छोटे जवानों का जो है शोषण करने लगे तो वाकई ये बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। हालांकि होना ये चाहिए कि जवानों को लड़ना चाहिए हमारे मुल्क उस मुल्क से जो हमला बोलते हैं, लेकिन आज जवानों को अपना हक पाने के लिए बड़े अफसरों के खिलाफ जो है धरने पर बैठना पड़ रहा है। एक बार जो पूर्व सैनिक मेरे साथ मौजूद है एक बार इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आप लोग यहां पर धरने में पिछले 16-17-18 दिन से यहां पर बैठे हैं, उसके और हम लोग सुनते थे कि जो जवान है वो विदेशी मुल्क से लड़ता है, जो हम पे हमला करता है, आतंकी हमला करता है, लेकिन आज आप लोगों की जो जंग छिड़ी है वो अपने बड़े अफसरों के साथ छिड़ी है। देखो, इस पर जंग नहीं है, ये कुछ मैटर है, कुछ त्रुटियां हैं, वो जंग, इसको जंग नहीं कहा जाता। दूसरी बात, आपने एक चीज़ और बोली थी कि हमारे बीच और अधिकारी के बीच, देखो जवान और अधिकारी के बीच में कभी जंग नहीं होती, ये एक बहुत डिसिप्लिनेड और बहुत इक्वलेंटेड होते हैं, ये बिल्कुल भी किसी भी अपनी डिसिप्लिन के खिलाफ नहीं जाते, कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते, लेकिन थोड़ा सा कुछ हमारे मतभेद जो सारे आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, वो त्रुटियाँ हैं, कुछ गलतियाँ हैं, वो सरकार से हुई है, किसी अधिकारी से हुई है, वो त्रुटियाँ हैं उस पर। बल्कि कुछ चीज़ आपने बोल दिया कि जवान ये है, विद्रोह है या मसा, ये कुछ वर्ड हैं जो लोग मीडिया गलत चीज़ को उसको हमारे सेना को देता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता और वो चीज़ गलत है। मेरे पास आज तत्काल सुबह प्रातःकाल एक फोन आया है अलीगढ़ से, वो पूर्व सैनिक थे, उन्होंने मुझे खुद ये चीज बताया कि उनकी जो बड़े अफसरों की जो वाइफ है वो उनसे मालिश तक करवाती है। गलत गलत, जो उनसे जूते पॉलिश कराते हैं, घर का काम कराते हैं, वो उसके दिमाग की कमी है, हम उस चीज़ को नहीं मानते। हम एक सेना से जुड़े, हम सेना के बिना कभी भी गलत बातें नहीं कहेंगे, बहुत अच्छा। सेना एक देश की नंबर वन डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, सेना कभी गलत, ये चीज़ें जो कुछ लोग हैं बीच में जो जिनके पास कुछ मेंटलिटी, जिनका दिमाग जिनका कमज़ोर होता है, या जो समझो कुछ भी कह सकते हो, फौज में 10 नंबर होता है जो पागल जिसको कहा जाता है, उस टाइप के भी लोग जवान होते बीच में हो जाते हैं, तो वो इस टाइप की बातें बोलते हैं, जो सेना के खिलाफ ऐसे गंदी हरकतें, ऐसी गंदी बातें बोलते हैं। सेना एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन कुछ गलतियाँ हुई हैं जो साफ दिखाई दे रही है। मतलब हम ये मान के चलें कि जो बड़े अफसरों की जो धर्मपत्नी हैं, जो मसाज वाली बात है, वो बिल्कुल गलत है, ये चीज़ हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ये गलत बातें हैं। ये कुछ लोग, वो लोग बोलते हैं जो दिमाग से थोड़ा सा, क्योंकि सेना में हर आदमी पागल होता है और 10 नंबर उनका फॉर्म भरा जाए, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उनको कुछ ना कुछ बोलना है, तो वो कुछ भी मुँह बोलने वाले का मुँह प्रधानमंत्री जी को गाली दे देते हैं, है कि नहीं, देश का प्राइम मिनिस्टर उसको भी गाली देते हैं, बोलने वाले को कौन रोका है। लेकिन गलत चीज़ें हैं सेना के खिलाफ जो चीज़ें ये बोलने वाले, मैं बिल्कुल बहुत गलत है, ठीक है। और हाँ बताइए आप दूसरी बात, दूसरा सवाल मेरा ये पता लगा है कि जो बड़े अफसर हैं उनकी जो धर्मपत्नी है वो घर का काम करवाती हैं साथ में, एक मिनट पूरा सवाल सुने मेरा, कि जो बड़े अफसर हैं वो और साथ में उनकी धर्मपत्नी उनके पर्सनल जो काम है घर के वो करवाती हैं, साथ में जूते पॉलिश कराते हैं, साथ में ड्राइवरी करवाती हैं, साथ में जो है ये भी कहा जाता है कि हमारे साथ चलो सब्जी बाजार। नहीं नहीं, ये सवाल आप मेरे से कुछ गलत साइड में लेके जा रहे हैं और मैं इसका बिल्कुल भी कंडम करता हूँ, आपके बिल्कुल खंडन करूंगा, बिल्कुल मैं इसका खंडन करूंगा कि क्या करती, ये बहुत गलत है। ये वही लोग, मैंने बता दिया, अब बार बार वही चीज़ को रिपीट करूंगा, ये आपको वही लोग इन्फॉर्मेशन देंगे, वही लोग जवाब देंगे जो इसके
दिमाग से कमजोर होंगे, वही इस चीज़ को वो सेना के मनोबल को गिराएंगे। सेना के बारे में देश का अपमान है, सेना का अपमान करना एक देश का अपमान कर, बिल्कुल देश का अपमान। ये चीज़ आपको भी सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन वो लोग हैं कुछ नहीं, नहीं मेरे को सच है, यही सच है कि अगर हमारे भारत हमारे जवान का अगर अपमान है तो पूरे हमारे भारत देश का अपमान है, बिल्कुल है ना। तो हम ये मान के चले कि ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मेरा यहाँ इक्का दुक्का एकाद केस कोई कहीं पर हो जाता है, कहीं होगा तो किसी ने वो चीजें मीडिया में या कहीं इधर वो बकवास कर देते, हो सकता है फिर, ऐसा हो सकता है फिर जिनका मेरे पास फोन आया शायद इक्का दुक्के में हो सकता है, इक्का दुक्का होगा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे अब बड़े अफसर जो हैं वो क्यों जवानों का और किस तरह से शोषण कर रहे हैं? शोषण कोई शोषण नहीं है, शोषण यही है। अब चाहे अधिकारी शोषण ये हमारे सरकार द्वारा हुआ है, हमारे अधिकारी द्वारा हुआ है, कुछ एक चंदे के अधिकारी द्वारा, ये थोड़ी कि सेना तो बहुत है। हम लोग एक बर्तन में खाना खाते हैं, एक अधिकारी एक जेसीओ एक जवान, हम लोग एक बर्तन में खाना खाते हैं, एक पोस्ट में रहते हैं, हमको सिखलाई एक ही टोंगा में हम लोग खाना खाते हैं, एक सिगरेट भी कभी कभी जो एक अधिकारी और एक जवान भी आपस में पी लेते हैं, इतना प्रेम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, मैं आप वाली बात रखूंगा। अगर एक जवान और एक बड़ा अफसर एक चम्मच में खा रहा है, थाले में खा रहा है और हर तरह से समानता है, कोई शोषण नहीं हो रहा, तो फिर यहाँ पर किस लिए? यस करेक्ट बोल रहा हूँ। यहाँ देखो पांचों उंगलियां बराबर नहीं है ना, कोई नीचे कोई ऊपर है, हर अधिकारी गंदा नहीं है ना, कुछ हमारे साथ कुछ एकाध त्रुटियां हुई है, जैसे MSP का मुद्दा है, पे कमीशन जो फैक्टरिंग का जो मुद्दा है, ये मुद्दे हैं दो चार, चाहे गवर्नमेंट ने कुछ अधिकारियों ने कर दिया, अब उसमें सारे अधिकारियों का भी उसमें इंक्लूड करोगे तो उचित नहीं। चलो कुछ अधिकारियों ने किस तरह से कुछ शोषण किया है वो थोड़ा बताओ फिर एक बार। वो शोषण किया है, हमारे रिटायर अधिकारी हैं जिन्होंने पहले से हमारी, देखो सरकार ने हमको वन रैंक वन पेंशन दिया है, ये सरकार के अलावा कोई भी सरकार ने हमको वन रैंक वन पेंशन नहीं दिया आज से 50 साल पहले से, लेकिन इसमें जिन्होंने हमारे एक्स सर्विसमैन का जो नेतृत्व किया जनरल सतबीर साहब, उनको हम इसमें ले लेते हैं, उन्होंने सारे जवानों को जेसीओ को सब इकट्ठा किया, लीड किया, सरकार के आगे सब कुछ रखा और प्रपोज करते समय लास्ट में उन्होंने जो है अपनी अंदर जो कुछ पर्दे के अंदर कुछ और कंप्रोमाइज कर लिया, जनरल सतबीर सिंह इसके दोषी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़े अफसरों ने आप लोगों के साथ धोखा किया? हाँ, तो कुछ अधिकारी कुछ अभी सभी नहीं करेंगे, अब जो प्रेजेंट टाइम पर जॉब कर रहे हैं हम उनको क्यों बोलेंगे, उनका कोई होश नहीं है इसमें, लेकिन जिन्होंने ये चीज़ें बैठाई जिन्होंने ये चीज़ किया वो गलत किया, अब हम सरकार से यही चीज़ की हमारी मांग है इन त्रुटियों को दूर करें। बड़े अफसरों ने, एक तो आपने बताया कि भाई वन रैंक वन पेंशन में धोखा किया, अब वो कुछ थे कितने थे क्वांटिटी ना आप बता पाएंगे इस समय ना मैं उसको कैलकुलेट कर पाऊंगा, और किस तरह मतलब ये तमाम सभी पूर्व जितने भी सैनिक है बॉर्डर पे जो काम करते उनके साथ हुआ या कुछ एक उनमें भी कैटेगरी बनाई भाई कुछ ही किसी के साथ? वो तो सबके साथ, जैसे MSP का मैटर है, अलाउंसेज का मैटर है, देखो देखो दुनिया के अंदर वर्ल्ड की सेना की जो ऑर्गेनाइजेशन है एक ही ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो वहाँ की जो अलाउंसेज राशन लिविंग वो चीज़ इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन था, तो इस वेरिएशन को जो है इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ा दिया, ये चीज़ें जो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिले, जैसे वीडियोज़ का मामला है आप देख रही ना कि एक विधवा पेंशन जो है किसी को 22,000 रुपया मिल रहा है और किसी को जो है तो ये कहाँ क्षतिज वो वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो गया, उसमें कुछ गलतियाँ हुई, MSP का मुद्दा एक ही मिलना चाहिए सबको, तो वो चीज़ें कुछ गलतियां हुई हैं वो कैसे दूर होंगी वो हमारी मांग अक्सर इसमें। आप सैनिक रहे हो, ठीक है, तो मेरा एक सवाल, क्योंकि मेरे पूर्व दादा भी सैनिक थे, बिल्कुल है, मैं एक चीज़ इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, जो जवान है वो अच्छा लगता है लड़ता हुआ केवल दुश्मनों से, जो जवान है वो अच्छा लगता है कि अपनी मांग मानता हुआ सरकार से, लेकिन जब उसके खुद के बड़े अफसर ही उसके साथ शोषण करने लगे तो शायद ये बड़ी शर्म की बात नहीं देखो, है और किसी भी आर्मी के देखो था? आपने एक चीज़ बोल दिया, आप वही घुमा फिरा के मेरे को वही ले जाना चाहते हैं कि शोषण वाली बात, मैं एक डिसिप्लिनेड सोल्जर हूँ, मैं सेना में एक ऑनरी कैप्टन रैंक से रिटायर हूँ, मेरे दादा भी आर्मी में थे, मेरे पापा भी आर्मी में हैं और मैं उत्तराखंड कर रहा हूँ, 3 जनरेशन मेरी आर्मी में, ठीक है, मैं सेना के खिलाफ या सेना के वोट कभी गलत नहीं, लेकिन आपने क्या क्वेश्चन किया गया था कि शोषण, मैं बोला एक या दो बंदे, जैसे जनरल सतबीर सिंह साहब ने रिटायरमेंट होने के बाद उन्हें प्रपोज किया सरकार के आगे, मांगे रखी, गलतियां थी और वो उन्होंने जो है, मैंने सवाल उन्हीं के लिए किया जिन्होंने शोषण किया है, मैंने तमाम लोगों के लिए, मेरी बात सुनो, मैंने पूरे बड़े अफसरों के लिए नहीं बोला, मैंने उन बड़े अफसरों के लिए बोला है जिन्होंने आपका शोषण किया, उन लोगों के, लेकिन अब उनका बायनेम कैसे गया, कहाँ से हुआ, क्या हुआ, इतनी हमको इतनी डिफिशियंसी आदमी के बारे में, इतने एक आदमी को इतने बड़े नॉलेज नहीं होती है कि वो स्टेप से इतना बड़ा उसको इतनी जानकारी नहीं होती है कि कहाँ क्या होता है, इतना बड़े कमीशन, इतना बड़ा गवर्नमेंट सरकार है, बहुत बड़ा संगठन है, इसके बारे में उतना हमें नॉलेज नहीं, हम खाली कैसे फलाने आदमी ने ऐसे किया या फलाने ने ऐसे किया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बड़े अफसर तो हैं ना उसमें, होंगे बिल्कुल होंगे, जब हुए तभी तो जो बेहतर आदमी जनरल रेगुलर और हमारे जो हमारे हमको ले करके गए जनरल सतबीर सिंह साहब जैसे लोग, और लास्ट में हमारे से यूनियन ने खड़ी की और उस यूनियन को सरकार को दिखाया कि हमारा इतना जनमत है और सरकार ने वो चीज़ हमको दी और उन्हें लास्ट में अपना
अलग कर दिया। अच्छा, तो मेरा ये शब्द गलत थोड़ी है कि जो आपके बड़े अफसर हैं, कुछ बड़े अफसर हैं, वो अपने जवानों का शोषण करें, मैंने गलत थोड़ी बोला ये? कुछ हाँ, एक आध बहुत है। अच्छा, कितने कितने समय से ये शोषण चल रहा है? नहीं, ये शोषण कब चल रहा है, क्या चल रहा है? अब हम भी 30-35 साल सेना में रहे हैं, ये चीज़ें शोषण वाली बात तो मैं नहीं मानता। मैंने आपको बता दिया ना, एक जवान की मेंटलिटी वो दिमाग से कमजोर है, ऐसे प्रकार एक आध कोई अधिकारी हो सकता है, मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि इतने सालों से शोषण चल रहा है। ये शोषण वाली मैं इस चीज़ को नेगलेक्ट करूँगा, आपकी शोषण वाली बात मैं सेना के खिलाफ कोई भी अगेंस्ट ये चीज़ें नहीं बोलूँगा। नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा डिसिप्लिन। सेना में आप बोलते शोषण होता, सेना अगर डिसिप्लिन से नहीं चलेगी तो वो सेना नहीं है। सेना में 10-25 किस्म के जवान होते हैं, अगर हर आदमी अपने अपने अधिकारों को अनडिसिप्लिन चलेगा तो कैसे सेना चलेगी? हम ये मान के चलें कि मैं पर्सनली आपसे बात करूँगी कि भाई पूर्व जवानों का जो सैनिक हैं बॉर्डर पे, जो काम करने वाले सैनिक हैं, उनका शोषण नहीं हो रहा है। शोषण कैसे शोषण होगा? गवर्नमेंट से मैं तो पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं मानता कि शोषण हो रहा है। ठीक है, सरकार में तनख्वाह देती है, सेवकें देती है, सब कुछ देती है। हाँ, तो अलाउंसेज भत्ते थोड़ा सा है, एक आध